हाँ सीमा चौधरी, सीमा चौधरी, कांता जाट, लवली राज। कौन कौन आ गया? कांता जाट आ गए, सीमा चौधरी, लवली राज, लवली राज भी आ गई। आज प्रैक्टिकल में बेटा आपको कुछ फाइलें डिस्कस कर लेते हैं, इंग्लिश में करेंगे आज। और जो अपनी हर्बेरियम फाइलें बनाते हो उसको भी लगाते हो, फैमिलीज भी आपके कोर्स में है। एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल में आपके उस पर भी आता है, फ्लावरिंग प्लांट्स पे जिसकी मालवेसी है, ये डिस्कस, रोजा साइनेंसिस है, गुड़हल का फूल है, उसके बारे में प्रैक्टिकल फाइल में आपको क्या लिखना है, आपने बनाई रखी है वैसे। ठीक है, अभी करते हैं स्टार्ट। कौन कौन आ गया? कांता जाट, लवली राज, सीमा चौधरी, और को भी आ जाने दो। रेखा चौधरी भी आ गई। रेखा चौधरी, हाँ अच्छा, एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ। अपन किसकी बात करेंगे? मालवेसी कुल की बात करते हैं आज, मालवेसी की फैमिली की बात करते हैं, जो आप प्रैक्टिकल फाइल में भी बनाते हो, है ना। तो प्रैक्टिकल फाइल में भी आप मालवेसी का फ्लावर बनाते हो, और मतलब हिबिस्कस, रोजा, साइनेंसिस बनाते हो। तो सबसे पहले आप कौन से कुल के बारे में बात कर रहे हैं? आपसे मालवेसी फैमिली मतलब की बात कर रहे हैं, जिसपे की हिबिस्कस, रोजा, साइनेंसिस, गुड़हल का पुष्प रखा गया है। तो जनरल नेम क्या है बेटा? सामान्य नेम है गुड़हल, जिसको कि आप चाइना रोज भी कहते हो, या प्रैक्टिकल फाइल में लिखोगे इंग्लिश नेम है शू फ्लावर। अब इसकी हैबिट एंड हैबिटेट क्या है? ये पेरिनियल है, बहुवर्षीय है, इट इज एन ऑर्नामेंटल कल्टिवेटेड श्रब है। ये ऑर्नामेंटल है, श्रब है, झाड़ी है। और रूट कैसी है इसकी? ये भी आप प्रैक्टिकल फाइल में लिखते हो, ब्रांच्ड टैपरूट सिस्टम पाई जाती है, शाखित मूसला रूट तंत्र पाया जाता है। और स्टेम कैसा है? इरेक्ट है, ऊर्ध्व है, एरियल है, वाइवीय है। अपर पार्ट ऑफ द स्टेम इज हर्बेशियस, ऊपरी पार्ट स्टेम का, स्तंभ का ऊपरी भाग शाखीय होता है। एंड बेसल पार्ट ऑफ द स्टेम इज वुडी, और ये स्टेम कैसा होता है? बेलनाकार होता है, सिलेंड्रिकल होता है, सॉलिड होता है, ग्रीन एंड ग्लैबरस होता है। तो लीफ कैसी है? प्रेमल एंड पोलाइन है, लीफ सिंपल है, सरल है, और अल्टरनेट है। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस में लीफ एकांतर करने व्यवस्थित होती है, और लीफ पे अनुपर्ण पाए जाते हैं, इसलिए लीफ स्टिप्यूलेट कहलाती है, और स्टिप्यूल्स पार्शल में लगते हैं। तो स्टिप्यूल्स आर लेटरल एंड फ्री। लीफ कैसी है? पर्णव्रंथ पाया जाता है, लीफ में पिटियोल पाया जाता है, तो ये पिटियोलेट है। एंड द लीफ इज ओवेट विद सेरेट मार्जिंस, लीफ इज ग्लैबरस और विनेशन। कौन सा विनेशन मिलता है लीफ में? यूनिकोस्टेट रेडिकुलेट, जाली का वत विनेशन पाया जाता है, एपेक्स एक्यूट है। तो कौन सा इनफ्लोरेसेंस पुष्प क्रम मालवेसी फैमिली के हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस में पाया जाता है? पुष्पक्रम है, इनफ्लोरेसेंस है, साइमोज इनफ्लोरेसेंस या सॉलिटरी एक्सिलरी। फ्लावर कैसा है? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का पेडिसिलेट है, ई ब्रैक्टेट है, मतलब ब्रैक्ट्स अनुपस्थित होती हैं, कंप्लीट फ्लावर है, बाइसेक्सुअल है, एंड द फ्लावर इज पेंडामेरस। तो ये देखो, आप ये डायग्राम बनाओगे, इसका एक बनाओगे, ये वाला जो फ्लावरिंग ट्विक दिख रहा है आपको, तो ये दिखाओगे आप प्रैक्टिकल फाइल में बनाओगे। ये दिखा रहा है पेटल्स हैं, फ्लावर बड है, एपिकैलिक्स है, सेपल है, लीफ है, स्टिप्यूल्स है, और स्टेम। तो फ्लावरिंग ट्विक को आप प्रैक्टिकल फाइल में बनाते हो, इसी प्रकार आप ये भी है फ्लावर का एलएस लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन फ्लावर भी प्रैक्टिकल फाइल में आपको बनाना होता है। तो दिस शोज द स्टिग्मा, पेटल्स, स्टेमंस, स्टाइल, सेपल, एपिकैलिक्स,
जबकि वृक्ष अनुपस्थित हैं, ठीक है। इसी प्रकार ये आप फ्लोरल डायग्राम बनाते हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकल फाइल में, फ्लोरल डायग्राम की सहायता से अपन इसको समझ सकते हैं। तो इसमें क्या बताए जा रहे हैं अब कि फ्लावर कैसा है, पेडिसिलेट है, इरेक्टेट है, कंप्लीट है, बाइसेक्सुअल है। तो कंप्लीट है तो आप कैसा फ्लावर बनाओगे, ये कंप्लीट है मतलब चारों कैलेक्स भी पाया जाता है, कोरोला भी पाया जाता है इसमें, एंड्रोशियम व गाइनोशियम भी मिलता है। फ्लावर इज बाइसेक्सुअल है ना, और पेंटामेरस है, हाइपोगाइनस फ्लावर और साइक्लिक है। तो एपी कैलेक्स 5 से 8 पाई जाती है, मतलब जो मालवेसी में चाइना रोज है उसमें एपी कैलेक्स 5 से 8 मिलती है। एंड दीज आर अरेंज्ड इन सिंगल वर्ल्ड ऑफ ब्रैक्टियोल्स जस्ट आउटसाइड द कैलेक्स। कैलेक्स कितनी है, सेपल्स 5 है, गेमोसी पैलेस देख लो, देख लो बेटा 1 2 3 4 5 सेपल्स कितनी है, 5 है। सेपल्स कितनी मिलती है, 5 है, और ये कैसी है, सेपल्स गेमोसी पैलेस है, और एस्टिमेशन वेलवेट है और ग्रीन है। और कोरोला कैसे हैं, तो दल कितनी मिलेंगी, 5 पॉलीपिटेलस है। दल क्या है ये देख लो आप, दल जो है 1 2 3 4 5 और सेपल्स अंदर की तरफ है, तो दल कितनी है, फ्री है। तो फ्री को अपन क्या लिखेंगे, पॉलीपिटेलस। तो जो दल है पेटल्स है वो 5 है और पॉलीपिटेलस है बट फ्यूज्ड एंड एडमिट टू द स्टेमल ट्यूब एट द बेसल पार्ट, रेड अट्रैक्टिव। पेटल्स कैसी है, लाल है और अट्रैक्टिव है। पेटल्स कैसी है, लाल है, अट्रैक्टिव है, और एस्टिवेशन ट्विस्टेड है, व्यावर्तित है और इंफीरियर है। तो एंड्रोशियम में क्या लिखोगे कि अपन एंड्रोशियम कैसा है, स्टेमेंस इनडेफिनेट है। अब ये देख रहे हो फ्लोरल डायग्राम में आप जो पुंकेसर है वो असंख्य है, स्टेमेंस की कोई संख्या निश्चित नहीं है, स्टेमेंस पुंकेसर असंख्य है। तो स्टेमेंस कैसे लिखोगे बेटा, इनडेफिनेट है, मोनो एडल्फस है, एंड स्टेमेंस आर एपीपेटेलस बिकॉज स्टेमिनल ट्यूब इज एडमिट टू पेटल्स, स्टेमिनल ट्यूब एडमिट टू पेटल्स। इसमें हिबिस्कस साइनेंसिस में बेटा एक स्टेमिनल ट्यूब भी पाई जाती है जो कि पेटल्स से एडमिट होती है, चुपकी हुई होती है या फ्यूज्ड होती है। तो अपर पार्ट ऑफ फिलामेंट्स, अपर पार्ट ऑफ फिलामेंट्स एंड एंथर्स आर फ्री एंड द बेसल पार्ट ऑफ फिलामेंट्स, बेसल पार्ट ऑफ फिलामेंट्स कंस्टिट्यूट द स्टेमिनल ट्यूब, एंथर्स आर किडनी शेप। तो एंथर्स कैसे हैं, से बड़ा कोश किडनी के शेप के हैं, वृत्ताकार हैं और रेडिफॉर्म है, मोनोथीकस है एंड एक्सटोर्स बहिर्मुखी है, डॉर्सिफिक्स है। इसी प्रकार गाइनोशियम कैसा है बेटा, पेंटाकार्पलेरी है और सिनकार्पस है और मालवेसी कुल के हिबिस्कस ओरिया साइनेंसिस में ओवरी सुपीरियर पाई जाती है, पेंटालोक्यूलर है। ये देख रहे हो आप 5 लोक्यूल बनाओगे, 1 2 3 4 5 पेंटालोक्यूलर है, पेंटालोक्यूलर है, और प्लासेंडेशन एक्साइल प्लासेंडेशन पाया जाता है, स्तंभीय प्लासेंडेशन पाया जाता है, स्टाइल्स 5 है, वर्तिका की संख्या कितनी है, 5 है, लॉन्ग है एंड दीज स्टाइल्स पास टू द स्टेमिनल ट्यूब, डिस्कॉइड स्टिग्मा पाया जाता है। वर्तिका में कैसा है, डिस्कॉइड है एंड स्टिग्मा इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ ईच स्टाइल। तो मालवेसी कुल के हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस में गुड़हल में फ्रूट का क्या नाम है, कैप्सूल है। तो अपन फ्लोरल फॉर्मूला भी पेटिकल फाइल में जब लिखते हैं तो इसको दिखाएंगे ई ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट ब्रैक्स नहीं पाई जाती, और ये प्लस का साइन क्या है, कंप्लीट है। फ्लावर कैसा है, कंप्लीट है, और यहाँ पे देखना एरो लगा हुआ है और नीचे प्लस का साइन है, तो फ्लावर्स बाइसेक्सुअल है। और एपी कैलिक्स को अपन ऐसा दर्शाएंगे 5 से 8 है, और कैलिक्स कैसे है, 5 है, और चूंकि ये कैलिक्स आपस में फ्यूज है मतलब गेमोसी पैलेस है, तो अपन ब्रैकेट लगा देते हैं, आपको वो मालूम ही है। कोरोला में पेटल्स क्या है, 5 है, और एंड्रोशियम में अपन ने देखा था स्टेमेंस असंख्य है एंड मतलब स्टेमेंस आर इनडेफिनेट। तो इसको अपन ब्रैकेट में लिखते हैं। गाइनोशियम कैसा है, पेंटाकार्पलरी है, 5 है, सिनकार्पस है, तो ब्रैकेट लगा देते हैं। नीचे साइन क्या दिख रहा था, ओवरी सुपीरियर। तो अपन प्रैक्टिकल फाइल में फिर लिखते हैं क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। तो क्लास कौन से में
हिबिस्कस हो जाए, साइनेंसिस आता है, क्लास है बेटा डाइकोटिलेडोनी, क्यों आता है, क्योंकि फ्लावर आर पेंटामेरस एंड द वेरी इंफिनेशन इज रेटिकुलेट, कौन सी सब क्लास में गुड़हल को हिबिस्कस हो जाए साइनेंसिस को रखा गया है, सब क्लास है पॉलीपिटेली, क्योंकि कोरोला इज पॉलीपिटेलस, कौन सी सीरीज में गुड़हल को हिबिस्कस हो जाए साइनेंसिस को रखा गया है, तो सीरीज क्या है, श्रृंखला क्या है, हेलेमीफ्लोरी है, क्यों, क्योंकि फ्लावर इज हाइपोगाइनस, ओवरी इज सुपीरियर, ऑर्डर कौन सा है गुड़हल का, मालवेल्स है, कौन सा गण है, मालवेल्स क्यों है, क्योंकि इसमें स्टेमेंस इनडेफिनेट होते हैं, जो पुंकेसर है असंख्य होते हैं, मोनो एडल्फस होते हैं, ट्राइनोशियम ट्राइकार्पुलरी टू मल्टीकार्पुलरी होती है, और प्लासेंटेशन एक्साइल होता है, और फैमिली क्या है, मतलब हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, मतलब गुड़हल का फैमिली कौन सी है, कुल कौन सा है, मालवेसी है, क्यों है, क्योंकि द लीव्स आर स्टिपुलेट, लीव्स में अनुपर्ण पाए जाते हैं, एंड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एपिकैलिक्स, एंथर्स आर मोनोफिकस एंड एंथर्स आर किडनी शेप, वृक्काकार है, जो परागकोश है कैसे है, वृक्काकार है, फ्रूट क्या है, कैप्सूल है, तो ये सब आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल में बना दोगे। अब अपन मीडियम की बात करते हैं, वो भी अपन को लाल कनेर भी आपको प्रैक्टिकल में मिल जाता है, तो लाल कनेर के बारे में आप क्या क्या पॉइंट्स लिखते हो, लाल कनेर में भी कोई पॉइंट्स लिखोगे आप कि नीरियम इंडिकम, तो जनरल नेम क्या है बेटा नीरियम इंडिकम का, जो प्रैक्टिकल फाइल में लिखते हो, कनेर या लाल कनेर, स्वीट सेंटेड, ये कैसा है, स्वीट सेंटेड ओलियंडर भी कहलाता है। अब इसकी हैबिट एंड हैबिटेट आवास देते हैं, तो ए लार्ज डिफ्यूज्ड एवरग्रीन है, ये कैसा है, सदाहरित है, लेटेक्स श्रब और स्मॉल ट्री है, रूट कैसी पाई जाती है नीरियम इंडिकम में, लाल कनेर में, ब्रांच्ड टैपरूट पाई जाती है ना, और स्टेम कैसा है लाल कनेर का, नीरियम का स्टेम इरेक्ट है, उधर है, एरियल वाइवीय है, सॉलिड ठोस स्टेम पाया जाता है, वुडी है, काष्ठीय है, स्टेम कैसा है नीरियम में, सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है, ग्लैबरस है, विद स्वेलन नोड्स है, और मिल्की लेटेक्स पाया जाता है, नीरियम में क्या मिलता है बेटा, दूधिया पदार्थ मिलता है, मिल्की लेटेक्स इज फाउंड, एंड द लीफ कैसी है नीरियम इंडिकम में, लाल कनेर में पत्ती कैसी है, पत्ती सिंपल है, पोलाइन एंड रेमल है, वर्ल्ड है, लीफ चक्र में व्यवस्थित है, अप्रोक्सीमेटली थ्री लीव्स आर प्रेजेंट इन ईच वर्ल्ड, एक्स स्टिपुलेट है, मतलब लीफ में कनेर की पत्ती में अनुपर्ण नहीं पाए जाते, लीव्स आर सबसेसाइल लीनियर लैंसियोलेट लेदरी, लीव्स चर्मिल है, एंड लीव्स आर थिक, एंबिनेशन इज यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट। अब इनफ्लोरेसेंस, लाल कनेर में पुष्पक्रम क्या पाया जाता है, टर्मिनल डाइकेजियल साइन और पेनिकल साइन, तो फ्लावर के बारे में जब लिखेंगे तो नीरियम का फ्लावर कैसा है, ब्रैक्ट्स पाई जाती है, तो ब्रैक्टेट है, पेडिसलेट है, कंप्लीट है, फ्लावर कैसा है, कंप्लीट है, बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी है, एंड द फ्लावर्स कैसे है नीरियम के कनेर के, व्हाइट पिंक और रेड कलर, फ्लावर्स कैसे है, व्हाइट है, पिंक है या लाल कलर के हैं, फ्लावर्स आर अट्रैक्टिव, और फ्लावर कैसा है बेटा, कीप के आकार का है, फनल शेप है, इनफंडेड यूनिफॉर्म, एक्टिनोमॉर्फिक है एंड पेंटामेरस है, तो ये देख रहे हो ये जो डायग्राम है वो आप इसमें बनाओगे, तो आप ये तो एक तो बनाओगे फ्लावरिंग ट्विग, किसका बनाओगे, ये पूरी फ्लावरिंग ट्विग बनाओगे, इसमें फ्लावर है, फ्लावर बड है, लीफ है, अब आप बनाओगे एलएस ऑफ द फ्लावर, तो इसमें आप दिखा दोगे ये एलएस ऑफ द फ्लावर है, इसमें की कॉइल्ड अपेंडेज है, पेटल है, ये सब आप बनाते हो, इसका दिखा है फ्लोरल डायग्राम, एलएस ऑफ द फ्लावर मैं और बता देती हूँ आपको, सी में ये देख लो एलएस ऑफ द फ्लावर है, इसमें की पेटल है, कोरोनरी अतिवृद्धि आउटग्रोथ भी पाई जाती है, स्टिग्मा है, कोरोला ट्यूब है, स्टाइल ओवरी है, ठीक है, ये है आपका फ्लोरल डायग्राम, ये प्रैक्टिकल में बनाना बहुत ही जरूरी होता है, प्रैक्टिकल फाइल में बनाना बहुत ही जरूरी होता है, तो कैलिक्स कितनी है, कैलिक्स में क्या है, सेपल्स 5 है,
सेपल्स फाइव हैं, पॉलीसी पैलस हैं, एस्टिमेशन इज क्विनकनशियल एंड द बेसल पार्ट इज कोनेट। कोरोला कैसे हैं, दल दलपुंज कैसा है, पेटल्स आर फाइव हेमोपिटेलस। ये देखो फ्लोरल डायग्राम में पेटल्स कितनी है बाहर की और पांच है एंड बाहर है तो पेटल्स आर फाइव। पेटल्स कितनी है मीडियम में लाल कलर में फाइव है, दे आर हेमोपिटेलस। पेटल्स आर फनल शेप्ड, कोरोला ट्यूब एक्सटेंडेड टू द अपर साइड एंड द थ्रोट ऑफ कोरोला इज हेयरी एंड फॉर्म्स कोरोना। एस्टिमेशन ट्विस्टेड, एंडोशियम कैसा है मीडियम में, स्टेमेंस पांच है, पॉलीएंड्रस है, एपिपेटलस है एंड द फ्लेमेंट्स आर स्मॉल, एंथर्स कोनिवेंट, एंथर्स कोनिवेंट अरेंज्ड अराउंड स्टिग्मा एंड पेसिफिक्स इंट्रोड्स। एंथर्स कैसे हैं, पराकोष अंतर्मुखी है, कनेक्टिव फैदरी, कनेक्टिव फैदरी ठीक है, एंथर लोब सेजिटेट है। अब गाइनोशियम है, बाइकार्पलरी है, सिनकार्पस है, ओवरी सुपीरियर पाई जाती है, बाइलोक्यूलर है, प्लेसिटेशन एक्साइल है, ए नेक्टर सिक्रेटिंग डिस्क इज प्रेजेंट। मीडियम में क्या पाया जाता है, ए नेक्टर सिक्रेटिंग डिस्क इज प्रेजेंट बिलो द ओवरी, स्टाइल इज लॉन्ग, स्टिग्मा इज डंबल शेप्ड, डंबल शेप्ड एंड रोबस्ट। तो फ्रूट का नाम क्या है मीडियम इंडिकम में, ए पेयर ऑफ फॉलिकल्स। तो आप प्रैक्टिकल फाइल में ये सब लिखने के बाद फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हो, मतलब बी आर से मतलब है ब्रैकेट है, फिर प्लस का निशान दिखाओगे, कंप्लीट बाइसेक्सुअल और सेपल्स कितनी है पांच, पेटल्स कितनी है पांच जो कि फ्यूज्ड है, एंडोशियम पांच, गाइनोशियम बाइकार्पलरी। फिर क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, तो नीरियम इंडिकम को, कनेर को कौन सी क्लास में रखा गया है, ये आप प्रैक्टिकल कॉपी में लिखते हो। क्लास कौन सी है बेटा, डाइकोटिलेडोनी। इसमें क्यों है, क्योंकि विनेशन रेटिकुलेट होता है, जाली कवच शिलाविन्यास पाया जाता है। कौन सा सब क्लास है, मीडियम की सब क्लास है बेटा हेमोपिटेली, क्योंकि पेटल्स फ्यूज होती है, पेटल्स कैसी है फ्यूज होती है। और कौन सी सीरीज में, कौन सी श्रृंखला में मीडियम को रखा गया है, तो सीरीज कौन सी है मीडियम की, बाइकार्पिलेटेड। क्यों है, क्योंकि कार्पल्स दो पाए जाते हैं, दो कार्पल्स हैं, ओवरी सुपीरियर होती है। और गण कौन सा है, ऑर्डर मीडियम इंडिकम को, लाल कनेर को ऑर्डर जेंशन हिल्स में रखा गया है, क्योंकि फ्लावर्स आर एक्टिनोमॉर्फिक। फ्लावर कैसे हैं, एक्टिनोमॉर्फिक हैं, स्टेमेंस एपिपेटलस। और फैमिली क्या है, कौन सी फैमिली में बेटा मीडियम इंडिकम आता है, लाल कनेर कौन से कुल में आता है, तो फैमिली आप लिखोगे एपोसाइनेसी प्रैक्टिकल बुक में। क्यों, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ मिल्की लेटेक्स एंड ओवरीज टू सेपरेट बट स्टाइल यूनाइटेड, बट स्टाइल इज यूनाइटेड। तो ये आप मीडियम इंडिकम के बारे में है ठीक है, लाल कनेर के बारे में है जो इजीली ही उपलब्ध हो जाता है। अब तीसरा आप लोगे थिवेशिया पेरुवियाना, ये भी आपको प्रैक्टिकल में दे दिया जाता है, क्योंकि पीला कनेर इजीली मिल जाता है, पीला कनेर और लाल कनेर। तो थिवेशिया पेरुवियाना की बात कर रहे हैं, तो जनरल नेम क्या है इसका, सामान्य नेम है बेटा येल्लो ओलियंडर और पीली कनेर और लकी नट ट्री। अब थिवेशिया का हैबिट एंड हैबिटेट क्या है, इसका हैबिट प्रकृति व आवास क्या है, इट इज ए लार्ज पेरिनियल श्रब ये और स्मॉल ट्री। तो क्या है थिवेशिया कैसा है, पीला कनेर कैसा है, कि ये बहुवर्षीय झाड़ी है, श्रब है या स्मॉल ट्री है। रूट कैसी पाई जाती है, ब्रांच टैपरूट। इसी प्रकार थिवेशिया में पीली कनेर में स्टेम कैसा होता है, स्टेम इज इरेक्ट एरियल वाइबी होता है, सॉलिड होता है, वुडी है, काष्ठीय है, बट यंगर पार्ट्स ऑफ द स्टेम आर हर्बेशियस। और स्टेम पीले कनेर में थिवेशिया में कैसा है, सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है, ब्रांच होता है, स्टेम कैसा है शाखित होता है एंड स्मूथ मिल्की लेटेक्स इज प्रेजेंट इन द स्टेम। स्टेम में दूधिया लेटेक्स पदार्थ पाया जाता है, इट इज लाइट ब्राउनिश ग्रे ठीक है। अब लीफ कैसी है थिवेशिया में, तो कोलाइन एंड रेमल है, एक्स स्टिपुलेट है। थिवेशिया में लीव्स में अनुपर्ण नहीं पाए जाते,
लीव्स अल्टरनेट व्यवस्थित होती है, एकांतर क्रम में व्यवस्थित होती है. लीव्स आर सब ससाइल एंड बेस इज पल्विनस रिवोल्यूट लीनियर लैंसियोलेट. मार्जिन्स कैसे हैं, लीफ के उपांत कैसे हैं, मार्जिन्स आर एंटायर, एपेक्स इज एक्यूट ग्लैबरस एंड द पिनेशन इज यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट. अब कौन सा इनफ्लोरेसेंस पाया जाता है हिबेशिया में, तो एक्सिलरी डाइक्रेजियल साई में. फ्लावर कैसा है, पीले कनेर का हिबेशिया, हिबेशिया पेरुवियाना का. तो फ्लावर में ब्रैक्टेट भी पाई जाती है, ब्रैक्स भी पाई जाती है, ब्रैक्टियोल्स मिलती है. तो फ्लावर इज ब्रैक्टेट एंड ब्रैक्टियोलेट एंड द फ्लावर इज पेडिसिलेट कंप्लीट बाइसेक्सुअल फनल शेप. ये भी फनल के आकार का होता है, कीप के आकार का होता है. फ्लावर इज हाइपोगाइनस पेंटामेरस येलो कलर, येलो कलर होता है जब इसको पीला कनेर कहते हैं, मतलब थिबेशिया पेरुवियाना कैसा है, येलो कलर होता है. एक्टिनोमॉर्फिक एंड साइक्लिक. तो कैलेक्स कितनी है, सेपल्स आर 5 एंड सेपल्स आर 3 परसिस्टेंट पॉलीसेपल्स. एस्टिवेशन कंक्रेंशियल, एस्टिवेशन कंक्रेंशियल एंड ग्रीन. तो आप ये देख रहे हो, ये आप फ्लावरिंग ट्विग बनाओगे, मतलब ये दिखाया है थिबेशिया पेरुवियाना. ये पेटिकल फाइल बनाओगे, फ्लावर बड या एक्वेरियम में भी लगा सकते हो, ये इजीली मिल जाता है रोड साइड पे. और प्रैक्टिकल फाइल में आप फ्लावरिंग ट्विग लगा सकते हो. और ये दिस इज द फ्लोरल डायग्राम ऑफ हिबेशिया, दिस इज द फ्लोरल डायग्राम ऑफ हिबेशिया. और इसको एलिस फ्लावर के एलिस को लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द फ्लावर को भी बनाओगे प्रैक्टिकल फाइल में, जिसमें की कोरोनरी आउटग्रोथ स्पष्ट दिखाई दे रही है, ठीक है, और ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, ठीक है. इसको आप डायग्राम को बनाओगे. तो कैलेक्स कैसी है, सेपल्स आर 5 जिसमें हिबेशिया पेरुवियाना में फ्री है, परसिस्टेंट है. सेपल्स आर पॉलीसेपल्स एस्टिवेशन कंक्रेंशियल. और सेपल्स कैसी है, ग्रीन. कोरोला आप लिखोगे हिबेशिया पेरुवियाना में. पेटल कितने हैं, पेटल्स कितने हैं, पेटल्स आर 5 एंड दीज आर गेमोपिटेलस येलो कलर्ड. एस्टिवेशन एस्टिवेशन ट्विस्टेड व्यावर्तित एस्टिवेशन पाया जाता है ना. और कोरोनरी आउटग्रोथ्स प्रेजेंट होती है एंड कैंपेन्यूरेट. अब एंडोशियम की बात करते हैं थिबेशिया में, तो स्टेमेंस आर 5 पॉलीएंड्रस एपिपेटलस एंथर्स सेजिटेट बेसिपेक्स इंट्रोल्स फिलामेंट्स आर शॉर्ट एंड एंडी. अब गाइनोशियम कैसा है, ये आप पूरा लिखोगे. गाइनोशियम बाइकार्पलरी है, सिनकार्पस है, ओवरी सुपीरियर एंड बाइलोक्यूलर. टू ओव्यूल्स आर फाउंड इन ईच लोक्यूल, प्रत्येक लोक्यूल में 2 ओव्यूल्स मिलते हैं. प्लासेंटेशन एक्साइल मतलब स्तंभीय प्लासेंटेशन पाया जाता है. स्टाइल इज लॉन्ग, वर्तिका कैसी है, लंबी है. और स्टिग्मा वर्तिकाग्र कैपिटेट है, समुंड है. 5 लोब्ड हाइपोगाइनस हाइपोगाइनस नेक्टर सिक्रेटिंग डिस्क इज प्रेजेंट बिलो द ओवरी. और थिबेशिया पेरुवियाना का जो फल है, फ्रूट है, उसे क्या कहते हैं, ड्रूप है. तो यह आप सब प्रैक्टिकल फाइल में लिखोगे और प्रैक्टिकल कॉपी में भी लिखोगे. फ्लोरल फॉर्मूला क्या है, ब्रैक्टेट ब्रैक्टियोलेट रसा है बेटा, ब्रैक्टेट है, ब्रैक्टियोलेट है, कंप्लीट है. फिर ये बाइसेक्सुअल है, सेपल्स 5 है, पेटल्स 5 है, एंडोशियम में स्टेमेंस 5 है. लेकिन ये कैसे है, एग्नेट है, एग्नेट है मतलब. और एंडोशियम 2 है, बाइकार्पलरी है, सिनकार्पस है, ओवरी सुपीरियर है. मेन आ गया क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन. तो थिबेशिया पेरुवियाना को क्लास डाइकोटिलेडोनी में रखा गया है. क्यों रखा गया है, क्योंकि पिनेशन रेटिकुलेट होता है एंड द फ्लावर्स आर पेंटामेरस. अब थिबेशिया को, थिबेशिया पेरुवियाना को, जिसे कि येलो ओलियंडर भी कहते हैं, पीली कनेर भी कहते हैं, उसको सब क्लास गेमोपिटेली में रखा गया है बिकॉज द पेटल्स आर फ्यूज. और सीरीज कौन सी है, हिबेशिया की बाइकार्पलेट है, क्योंकि कार्पल्स 2 है, ओवरी यूजली सुपीरियर पाई जाती है. ऑर्डर कौन से गण में, कौन से ऑर्डर में हिबेशिया पेरुवियाना को रखा गया है, तो ऑर्डर है जेंशिया नेल्स. ऑर्डर क्या है, जेंशिया नेल्स, बिकॉज द फ्लावर्स आर एक्टिनोमॉर्फिक, स्टेमेंस आर एपिपेटलस. और कौन सी फैमिली में रखा गया है, ये भी लिखोगे कि हिबेशिया पेरुवियाना को कौन से कुल में सम्मिलित किया गया है. तो कुल है, फैमिली है एपोसाइनेसी. एपोसाइनेसी कुल में क्यों रखा गया है हिबेशिया को, बिकॉज इसमें मिल्की लेटेक्स इज प्रेजेंट. ओवरीज 2 फ्री बट स्टाइल बट
स्टाइल इज यूनाइटेड। इसी प्रकार एंगलर एंड प्रेडल ने 1931 में एक अलग ही क्लासिफिकेशन दिया। तो उन्होंने कहा क्लास क्या बताई, डाइकोटिलेडोनी और सिम्पेडेली, और कंडोटे क्या है, कंडोटे पे एपोसाइनेसी में रखा। लेकिन अपन क्लासिफिकेशन फॉलो करेंगे, पेंथामेन कुकर का ही क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं। इस तरह से अपन प्रैक्टिकल में ये सब डायग्राम बनाते हुए हर्बेरियम फाइल को भी बनाएंगे और प्रैक्टिकल फाइल में भी बनाएंगे अपन।